खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की पीढ़ी भी पूरी ताकत से लगी हुई है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनके उत्साह का नमन करता हूं, उनके जोश को नमन करता हूं, उनके संकल्प को नमन करता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं और देश के लिए जीने मरने की उनकी भावना की प्रतिबद्धता को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। अब उनके ही परिश्रम से देश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। बीते 5 वर्षों में हमने देश को यह दिखाया है कि जब कांग्रेस कल्चर से मुक्त पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलती है तो उसका मतलब क्या होता है। भाइयों और बहनों, भारत अब आतंकियों को घर में घुस करके मारता है कि नहीं मारता है? आप खुश हैं? आतंकियों को अब ऐसा ही जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, सरकारें पहले भी थी लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का कभी सोच भी नहीं पाती। सरकारें पहले भी थी लेकिन दूसरे देश की सीमा पर पार जाकर के हवाई जहाज से आतंकियों को ठिकानों को खत्म करने उनके बस का रोग नहीं था। ये बदलते हुए भारत दिनों दिन मजबूत होते भारत का प्रमाण है। आप मुझे बताइए, देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत भाजपा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत ओडिशा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत ओडिशा मजबूत भारत के लिए कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? पूरे उड़ीसा में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? हर विधानसभा में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? हर लोकसभा में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? साथियों, एक मजबूत देश, उसकी मजबूत सरकार ही अपने देश के भीतर की चुनौतियों को तेजी से समाप्त कर सकती है। गरीबी हो, पिछड़ापन हो, अशिक्षा हो, बीमारियां हो, इस मोर्चे पर एक मजबूत सरकार एक साथ काम कर सकती है। साथियों, आप बताइए, ओडिशा और देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? जरूरत पूरी करेंगे? जी जान से जुटेंगे? देश के तेज विकास के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, ये हम सब स्वीकार करते हैं। साथियों, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर चलने वाली, न कि जाति पंथ संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करने वाली सरकार हो। भाइयों और बहनों, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव ओडिशा की बीजेपी सरकार कर रही है, ऐसा ही भेद, इस प्रकार का भेदभाव कांग्रेस और उसके सहयोगियों दशकों से पूरे पूर्वी भारत के साथ किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित देश का ये पूर्वी हिस्सा विकास की रोशनी से दूर रहा। ये आपका चौकीदार है,
ये आपका चौकीदार है जिसने पूरे पूर्वी भारत को नए भारत का विकास इंजन बनाने का बीड़ा उठाया है, आपके हितों की चौकीदारी करने का संकल्प लिया है। साथियों, ये संकल्प बड़े सपनों की बात, सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि और सबको सम्मान देने की बात हम ऐसे ही नहीं करते बल्कि अपने काम के आधार पर करते हैं। आपके पड़ोस में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, देश के आदिवासियों के विकास और जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन दोनों राज्यों का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल नया था, हिंसा से प्रभावित था। आज तुलना कीजिए 15 वर्ष बीजेपी के और ये 19-20 साल यहां के बीजेडी के। ऐसे ही झारखंड में आज विकास गांव गांव तक पहुंच रहा है, सामान्य मानवी को हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचना में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज झारखंड के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, उन्हें राज्य में ही काम करने के अच्छे विकल्प मिल रहे हैं। बीजेपी का यही ट्रैक रिकॉर्ड है, विकास के डबल इंजन का यही इतिहास है जिसको लेकर आपके सामने आज मैं खड़ा हूं। आपको विकास चाहिए या भेदभाव चाहिए? विकास चाहिए कि भेदभाव चाहिए? ओडिशा का विकास का कमल का फूल खिला के रखोगे? भाइयों और बहनों, ओडिशा गरीब नहीं है, ओडिशा के लोगों में सामर्थ्य की कमी नहीं है। यहां संपदा भी है, संसाधन भी है और संकल्प को पूरा करने वाली ये मेरे ओडिशा की जनता जनार्दन भी है। अगर यहां कुछ नहीं रहा है तो वो है सही नीति नहीं है और सही नियत नहीं है। बीजेडी की नियत सही होती तो किसानों को उनकी उपज की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलता जो चौकीदार ने तय किया है। अगर बीजेडी की नियत सही होती तो यहां के करीब 50 लाख किसानों को जो हजारों करोड़ रुपए सीधे खाते में आने थे उसको रोका नहीं जाता। बीजेडी की नियत सही होती तो आयुष्मान भारत के तहत देश भर के अस्पतालों को 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज यहां के गरीबों को वो रुकता नहीं। बीजेडी की नियत सही होती तो यहां के अस्पतालों का काम नहीं लटकता, अस्पताल बेहाल ना होते। बीजेडी की नियत सही होती तो मोदी जो अब तक 8 लाख पक्के घर गरीबों को दे पाया है उसकी संख्या उससे भी ज्यादा होती। अकेले उड़ीसा में 8 लाख घर दे पाया हूं, लेकिन अगर सरकार ठीक होती तो शायद ये आंकड़ा और अनेक लाखों में जुड़ जाता और गरीब अपने पक्के घर में रहते। बीजेडी की नियत सही होती तो महानदी कोल लिमिटेड में कोल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट कभी भी न लटकता, हजारों युवाओं का रोजगार न फंसता। बीजेडी की नियत सही होती तो जो पैसे केंद्र सरकार उसे भेजती है उसे सही तरीके से खर्च करती, उस पर ताला लगाकर बैठ नहीं जाती। बीजेडी की नियत सही होती तो खदानों से मिलने वाली रॉयल्टी के पैसे यहां स्कूल खुलवाती, अस्पताल खुलवाती, सिंचाई की योजनाओं को पूरा कराती। लेकिन साथियों, बीजेडी आपके विकास पर लोग रोक लगाकर बैठ गई है। क्या ऐसी पार्टी को सजा नहीं देनी चाहिए? ऐसी पार्टी को विदाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
उड़ीसा की भलाई के लिए बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, उड़ीसा के आपके संतानों के लिए, यहां की युवा पीढ़ी के लिए नई तेज तरार सरकार की जरूरत है कि नहीं है, क्या इतनी सुस्त सरकार ओडिशा का विकास कर पाएगी क्या? तो ओडिशा के सुंदरगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ओडिशा में कमल खिलना तय है, देश में एक बार फिर बनेगी पूर्ण बहुमत वाली सरकार।